हेलो गाइस, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको कक्षा 11 परीक्षा 2020-21 विषय रसायन शास्त्र एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। और आपको ये बता दें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और के साथ विज्ञान गणित विषय के भी हम सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बेंजीन का अणुसूत्र ये है, तो इसका मूलान पत्र क्या होगा? तो देखिए, C6H6 में से 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा CH होगा। और इन तत्वों में किसका परमाणु आकार छोटा होता है? तो देखिए, परमाणु आकार सबसे छोटा जो होगा वो होगा Al3+ का होगा। उसके बाद में चलिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इसलिए कक्षाओं की संख्या कम हो जाएगी, इसलिए इसका सबसे छोटा आकार रहेगा। और मानव रुधिर का पीएच जो होता है, मानव रुधिर जो पीएच जनरली क्षारीय होता है, और इसलिए 7.4 यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद में CH3Cl में कार्बन की संकरण अवस्था क्या है? तो देखिए, CH3Cl में कुल 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसमें संकरण जो होगा वो sp3 होगा। तो थर्ड आंसर सही है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होगा। और उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ऊष्मा गति के तापक्रम का SI मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। और n=3 के लिए एल का मान होगा, तो एल का मान 012 होगा। और उसके बाद में बम कैलोरीमीटर द्वारा आंतरिक ऊर्जा का मापन किया जाता है। और भारी जल का सूत्र होता है D2O होता है, ये रहेगा। और क्षार धातुएं कैसी होती है? S-ब्लॉक होती है, तो उसमें S-ब्लॉक आंसर रहेगा। इसके बाद में अन्य क्वेश्चन इस तरह हैं, शुद्ध जल की जो मोलरता है वो कितनी होती है? 55.5 होती है। और भारी जल का अणुभार जो होगा वो 20 होगा। और सर्वाधिक जल योजन ऊर्जा लिथियम की होगी। और एस ब्लॉक जो है वो वर्ग 2 के तत्व होते हैं और पी ब्लॉक वर्ग 13 के तत्व होते हैं। इस तरह से और इसमें पूछा गया है मोल अंश या मोल प्रभाज की परिभाषा लिखिए, ये होता है। तो किसी विलयन में, सुन लीजिए, किसी विलयन में विलय के मोल और कुल मोलों का अनुपात विलय का मोल प्रभाज, और किसी विलयन में विलायक के मोल और कुल मूलों का अनुपात विलायक का मूल प्रभाज होता है। चलिए, इसके बाद में लुईस क्षार अम्ल का एक उदाहरण दीजिए। तो लुईस क्षार अमोनिया जो है NH3, ये लुईस क्षार है। और जो BF3 है वो क्या है? लुईस अम्ल है। इस तरह से ये NH3 लिख सकते हैं, उसमें BF3 एक उदाहरण आप दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है CH2 में उपस्थित सिग्मा व पाई बंध संख्या कितनी है? तो देखिए, सी और इसमें यदि बॉन्ड यदि हम गिने तो ये एच 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 और ये एच। आप पूरे बॉन्ड गिन लीजिए पहले, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बॉन्ड है। इसलिए 6 बॉन्ड में जहाँ पर डबल है वहाँ पर एक पाई है, बाकी सब सिग्मा है। तो 6 बॉन्ड है उसमें, तो 5 सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। तो समझ में आ गए आपको, 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, इस तरह से कुल 6 बॉन्ड है। और उसके बाद में एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे की तरफ, आप देख लेना इधर, CnH2n-2, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आइडोफार्म वह एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आइडोफार्म का सूत्र होता है CHI3, और एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो पावली का अपवर्तन नियम है ये सब आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। जो फिलहाल इसमें इजी रूप में जो जहाँ पे कम जगह घेरते हैं उनको सीधे स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर किया सकता है, उन्हें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी को मैं आपको इनके जो आंसर है पूरे सेकेंड पार्ट में बताऊँगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सेकेंड पार्ट भी आपको मिल जाए। चलिए, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ निम्न के मोल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। CH4 का आपको निकालना है, तो भाई CH4 का निकालने के लिए आपसी का द्रव्यमान होता 14 और कार्बन का होता है 4, एक हाइड्रोजन का 1 है इसलिए 4 हाइड्रोजन का मिलकर 4 हो जाएगा। इस तरह से 16 ग्राम होगा। और उसके बाद में आप NH3 मैथेन का लिखेंगे, तो भाई अमोनिया का लिखेंगे
तो अमोनिया का में नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का एक होता है, तीन हाइड्रोजन लेते, तीन हो जाएगा 14 और 3 17 ग्राम होगा। उसके बाद में भाई NaCl की बात करें, तो NaCl की हम बात करें तो Na का जो द्रव्यमान होता है 23 और Cl का होता है 35.5, इस तरह से ये हो जाता है 58.5 ग्राम होता है। तो ये इसका 58.5 ग्राम होगा। हुंड का नियम अच्छी तरह जानते हैं, कक्षक और कक्षक का अंतर जानते हैं। जो प्रश्न आप नहीं जानते उन्हें मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उनके प्रश्न आप उनके वीडियो अब तक उन प्रश्नों को हल करके आपको अब तक पहुंचा दूं। चलिए आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। वैसे मैं सेकेंड पार्ट में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर चलिए इसको बाद में दिखाया जाएगा। निम्न की परिभाषा लिखी, ये भी अब बाद में देखेंगे, हम फिलहाल दिखाते हैं आपको IUPAC नाम वाला क्वेश्चन और दिखाते हैं। इसका IUPAC नाम क्या होगा? यहाँ पर आप लिखेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या लिखेंगे भाई? ट्राई क्लोरो मैथेन, ये पहले वाले यौगिक का नाम है। उसके बाद दूसरा यौगिक जो है इस तरह से, इसका प्रोपेन टू ऑन या प्रोपेनॉन लिख देंगे सीधे, कोई दिक्कत नहीं, प्रोपेनॉन। उसके बाद अगला जो है उसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन लिख देना आप लोग उसको, एन ब्यूटेन, जिसका मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। उसके बाद इसका नंबरिंग करना पड़ेगा 1, 2 और 3। तो 2 पे क्या भाई? मैथिल। तो 2 मैथिल, चलो हिंदी इंग्लिश में लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, 2 मैथिल और कुल कार्बन 3 आ रहे हैं, इसलिए प्रो पे न, और प्रोपेन में ई हटाकर 2 पर क्या लगाएंगे? ऑल। यहाँ पे आपको लिखना है OL ऑल, 2-methyl-propane-2-ol इसका नाम रहेगा। और अगला जो है इसका नामकरण करने के लिए हमें नंबरिंग करना पड़ेगा 1, इस साइड से करना पड़ेगा क्योंकि इधर ये पहले आ रहा है और इधर ये CH3 आ रहा है, ये एल्कोहल मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसलिए इस तरह इधर से करेंगे अंकन। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 कार्बन है। तो 8 में ये जो शाखा वाले का नाम पहले लिखेंगे, तो भाई 6 पर क्या है? मैथिल है, और तो हम क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ, देखिए इसकी पोजीशन आ रही है 3 और इसकी आ रही है 6, तो हम क्या लिखेंगे? 6-methyl और 3 पर क्या लगा हुआ है? आल। ध्यान दीजिए यहाँ पे इस पे 3 पे आल लगा हुआ है यहाँ में, तो यहाँ फिर से लिख देता हूँ आपको, 6-methyl 3, सॉरी 3 नहीं, फिलहाल कुल कार्बन 8 हो गए, 6-methyl ऑक्टेन में से ई हटाकर, लास्ट में ई आता है तो ई हटाकर 2-ol इसको लिखेंगे, 6-methyl-octane-2-ol इसका क्या है? IUPAC नाम होगा। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो इसके पार्ट हैं उसको हम सेकेंड वीडियो में सोल्व आपको करके दिखाएंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।